जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2023 को केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसे कि इस समय केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, लगातार बर्फबारी हो रही है केदारनाथ धाम में, तो किस प्रकार माहौल बना हुआ है और इस समय कितने क्राउड केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं और सभी लोगों को किस प्रकार दर्शन प्राप्त हो रहा है, और साथ ही 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के समय मंदिर में दर्शन हो पाएगा या नहीं, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ के मौसम में फिर से परिवर्तन हो गया है और कल सुबह 10 बजे से ही लिनचोली से लेकर केदारनाथ मंदिर तक जोरदार बर्फबारी हुआ था और करीब 1 बजे तक इसी प्रकार बर्फबारी होता रहा था, जिससे इस समय धाम में कड़ाके की ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है और इस समय तापमान -8 डिग्री तक चला गया है, जिससे यहाँ मौजूद यात्रियों को भारी ठंड के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन दिनों बुजुर्ग श्रद्धालुओं का तबीयत भी बिगड़ जा रहा है और इन दिनों बुजुर्गों और बच्चों के लिए यात्रा काफ़ी रिक्सी हो गया है, क्योंकि इस समय धाम में बर्फबारी पड़ने के कारण ठंड का इजाफा काफ़ी हो गया है। इसलिए इन दिनों बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को आप सभी केदारनाथ यात्रा पर लाने के लिए बचे। वहीं दोस्तों, नंबर 2 अपडेट के बारे में बात करें तो इन दिनों इतने खराब मौसम में भी भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम पहुंचने लगी है और इस समय दर्शन के लिए सुबह 2 बजे से ही भारी ठंड में श्रद्धालु नॉर्मल दर्शन के लिए कतार में लग जा रहे हैं और करीब 4 से 5 घंटे बाद ही श्रद्धालुओं को बाबा केदार का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और इस समय अधिक समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इस समय हर रोज करीब 15,000 से ऊपर श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, इसलिए इस समय 4 घंटे के पहले किसी भी श्रद्धालु को दर्शन हो पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अगर कोई श्रद्धालु चाहते हैं कि वह आधे से 1 घंटे में दर्शन कर ले, तो उनके लिए VIP दर्शन का व्यवस्था अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और जो लोग VIP दर्शन करना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारे वीडियो के द्वारा जान सकते हैं कि आप सभी VIP दर्शन को किस प्रकार कर सकते हैं। बहन दोस्तों, नंबर 3 अपडेट के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इस महीने 28 अक्टूबर को रात्रि 11:30 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसका सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे ही केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन प्रातःकाल से ही मंदिर में दर्शन और पूजा शुरू किया जाएगा। इसलिए जो भी यात्री 28 अक्टूबर को केदारनाथ धाम आ रहे हैं और उनका प्लान था शाम में दर्शन करने के लिए, तो उनको शाम में दर्शन नहीं होने वाला है क्योंकि इस समय मंदिर का कपाट बंद रहेगा। इसलिए आप सभी चाहे तो अपनी यात्रा प्लान में चेंज भी कर सकते हैं और 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे के आसपास पूरे भारतवर्ष के मंदिरों में दर्शन और पूजन बंद हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में इस समय मंदिर का कपाट बंद रहेगा और इस समय चारों धाम में आपको कहीं भी दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों, नंबर 4 अपडेट में बात करें तो केदारनाथ में आज की सुबह मौसम साफ है लेकिन भयंकर ठंड है और आज भी सुबह 2 बजे से ही श्रद्धालु नॉर्मल दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं और इस समय धाम में भीड़ बढ़ने के साथ ही महंगाई भी बढ़ गया है। होटल टेंट के रेंट में थोड़ा इजाफा हो गया है और इस समय दिनों दिन तापमान में गिरावट हो रहा है और फिलहाल 30 अक्टूबर तक बीच बीच में बर्फबारी होती रहेगी, लेकिन नवंबर माह आते ही हर रोज़ बर्फबारी केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिल जाएगा और नवंबर महीने आते आते केदारनाथ धाम के चारों तरफ 0.5 फीट तक बर्फ जम जाएगी और इस समय धाम में भयंकर ठंड रहेगी, तो यात्रा में भी काफ़ी गिरावट हो जाएगा। और लेकिन इस समय केदारनाथ धाम में 15,000 यात्री प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, लेकिन अक्टूबर महीने के लास्ट तक ही 6 से 8 हज़ार यात्री फिर से केदारनाथ धाम पहुंचने लगेंगे और नवंबर महीने आते आते दिनों दिन यात्रा में गिरावट होते रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार ही केदारनाथ यात्रा अब चलने वाली है और उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।